नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 667वां एपिसोड। तो भैया 24 जून की तारीख हो गई है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और क्रिकेट को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपके सामने परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 4 टीमें नहीं 6 टीमें नए कप्तानों के साथ उतरने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की, क्रिकेट की तमाम खबरें, वर्ल्ड कप की तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी पूरी वीडियो देखेंगे पता लग जाएगा। लेकिन पहली बड़ी खबर की अब हम बात कर लेते हैं। तो भैया देखो, ललित मोदी जो कि लगातार आईपीएल मीडिया राइट्स पर बयान दिए जा रहे हैं, फिर से एक बयान दे दिया उन्होंने। कहा है कि मीडिया राइट्स विल अगेन डबल इन द नेक्स्ट साइकिल। अभी 48,000 करोड़ रुपए में बिके ना टोटल। ललित मोदी बोल रहे हैं कि जब 2027 में बिकेंगे वो 1 लाख करोड़ में बिकेंगे। इसका मतलब ललित मोदी ने अपनी बात फिर से दोहराई है, कुछ दिन पहले भी बोली थी। मतलब भाई इनको जरूर कुछ खुशबू आ गई है आईपीएल मीडिया राइट्स की। हालांकि ये शेयर बड़ा लेते हैं कि यार इन्होंने आईपीएल शुरू किया। आपको क्या लगता है आईपीएल को बनाने में किसका योगदान था, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनभर की दूसरी बड़ी खबर की। तो यार वर्ल्ड कप को लेकर रिपोर्ट है, क्योंकि शाहिद अफरीदी डरे हुए क्यों है अपनी पाकिस्तान की टीम को लेकर। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की टीम को लेकर एक सॉलिड प्लान बताया है। एक लाइन में उन्होंने बोला है कि बाबर एंड कंपनी को फोकस करने की जरूरत है और इंपॉर्टेंट थिंग है मैन मैनेजमेंट। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक तरह से सवाल उठाते हुए ये बात कही कि यार मैन मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर लेना तो ये टीम फिर से बहुत बड़ा कुछ कर सकती है वर्ल्ड कप में। ऐसा लगता है शायद अफरीदी को अपने देश पाकिस्तान के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, एक बार चल गया पाकिस्तान का तीर ऐसे नहीं चलते भाई। मेरे को तो लग रहा है इंडिया जैसी सॉलिड टीम ही कुछ कर पाएगी, पाकिस्तान कुछ नहीं। आप इस पर अपनी राय लिखिए। तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, तो क्या प्लेसेस आरसीबी को छोड़ देंगे? क्योंकि भैया कल रजत सदौतरा जी का सवाल आया था हमारे पास और उस सवाल का थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ी सी हमने रिसर्च की। तो रजत सदौतरा ने कल हमसे सवाल पूछा था, डू यू थिंक दैट आरसीबी विल रिलीज फाफ डू प्लेसेस एंड टारगेट अनदर अटैकिंग ओपनर। मतलब सदौतरा जी ये पूछ रहे हैं कि क्या आरसीबी इस साल फाफ डू प्लेसेस को बाहर करके किसी अटैकिंग ओपनर के पीछे जाएगी। देखो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि प्लेसिस का जो रोल है वो एज ए कैप्टन है। और सदोत्रा जी आपको एक चीज बता दूं, आपने कमेंट बहुत अच्छा किया, सवाल बहुत अच्छा किया, और बाकी लोग देख रहे हैं प्लीज सवाल कीजिए क्योंकि आपके जवाब कल देंगे। लेकिन इसका जवाब नहीं है, क्योंकि फाइव टू प्लेसिस इज देयर कैप्टन नाउ और कम से कम 5 साल के साइकिल में तो मुझे नहीं लगता कि कप्तानी बदलने के चांसेस लग रहे हैं अभी की परिस्थिति में, बिकॉज कोई कप्तान नहीं है ना यार। देखो विराट कोहली मना कर चुके हैं तो साफ है, अब किसको विकल्प लाएंगे, बड़ी मुश्किल से प्लेसिस मिले। दूसरी टीमों के हाल आप देख ही रहे, 6 टीमें बदलने वाली है, बताऊंगा इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, बात करते भैया दिनभर की चौथी बड़ी खबर की। तो एशिया कप को लेकर बड़ी रिपोर्ट है, राशिद लतीफ एशिया कप को लेकर बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी राशिद लतीफ जो कि बड़े अजीबोगरीब बयान देने के लिए बड़े मशहूर है वहां भी यहां भी, बड़ी बात कह रहे हैं। उनका मेन कंपटीशन इन एशिया कप वुड बी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यार ये बात बोलने की नहीं है, ये बात दुनिया को पता है कि एशिया में कितने देश खेलते हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कौन है। अब इनमें से आप किसका मुकाबला करेंगे, इंडिया पाकिस्तान का ही कराएंगे, क्योंकि बांग्लादेश रहता नहीं है कंटेंशन में मोस्टली, अफगानिस्तान में तो निदम नहीं है, श्रीलंका क्राइसिस से जूझ रहा है। तो यार ये तो कोई बोलने की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो यार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कल रेंजर्स गेमिंग ने हमसे सवाल पूछा था और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको भी सुनकर जाइए क्योंकि ये बड़ी खबर है। सवाल ये था, यश तिवारी सर प्लीज, चैंपियंस ट्रॉफी अब कब होगी, 2017 में हुई थी और अब कब होगी बताइए। माय नेम इज सोहेल कुमार फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात से सोहेल कुमार जी ने सवाल पूछा है। तो सोहेल जी देखो सीधी बात बताता हूं मैं, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है 2025 में पाकिस्तान में नेक्स्ट एडिशन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने जो FTP बनाया है उसमें 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का अगला एडिशन पाकिस्तान में खेला जाएगा। तो अभी की स्थिति के हिसाब से जब हम आज ये बात कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि यार पाकिस्तान में अगली चैंपियंस ट्रॉफी होगी आईसीसी की। बट यार सीधी बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे देश जाएंगे नहीं खेलने, जिसमें इंडिया है, और इंडिया तो भाई देखो गुटबाजी करके दूसरे देशों को भी जाने नहीं देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है UAE में होगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन 2025 में अगली चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। आपके सवाल का जवाब था, और जिन्होंने अभी तक सवाल जिनके आए नहीं यार लिखते रहो, क्योंकि हर रोज 2 सवाल है बिल्कुल नए नए, हर रोज फ्रेश फ्रेश लोगों के सवाल लेंगे, मजा आएगा, बिल्कुल चैनल पे आइए फटाफट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो 4 नहीं 6 टीमें अपने कप्तान बदल देंगी, क्योंकि कई टीमों के अंदर कप्तानी को लेकर, लीडरशिप को लेकर कई तरह के घमासान चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो नई लीडरशिप उभरती हुई इन दोनों टीमों में दिखने वाली है। स्पेशली मुंबई इंडियंस में तो सूर्यकुमार यादव का उदय होगा इन्हें लीडरशिप, और दिल्ली कैपिटल्स में वार्नर को कुछ बहुत बड़ी कमान मिल सकती है, क्योंकि रिसेंटली पंत के ऊपर सवाल उठे थे। पंजाब किंग्स की टीम शिखर धवन को कप्तान बना सकती है, तो वही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऋतुराज गायकवाड़ को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन दे सकती है, क्योंकि विकल्प नहीं है चेन्नई के पास, और
धोनी को एक नया कप्तान बिल्ड कर जाना है। जड्डू का जो सफल इन्होंने प्रयोग किया था वो सफल ही नहीं हो पाया। केकेआर की टीम मिनी ऑक्शन और एसआरएच की टीम मिनी ऑक्शन में जरूर देख रही होगी, स्पेशली केकेआर, जस्ट बिकॉज की आप देखो श्रेयस अय्यर का जो हमने देखा हाल हुआ, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, क्या केन विलियमसन के भारतीय रिप्लेसमेंट मिल सकती है, क्या श्रेयस अय्यर एसआरएच में जा सकते हैं, तो ये भी एक एसआरएच की टीम जरूर देख रही होगी। तो छह टीमें अपने कप्तान बदलने की सुगबुगाहट कर रही है। केकेआर के श्रेयस अय्यर छूटते हैं तो एसआरएच के पल्ले में जा सकते हैं। दो टीमें तो भैया लीडरशिप में बड़ा बदलाव करेगी। अब आप बताइए दोस्तों कि इनमें से किस टीम को कप्तान बदलने चाहिए, किस टीम को नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट करके अपनी राय जरूर दिखिए और सवाल जरूर पूछे, फिर बोलना कल जवाब देंगे। आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड आ गया है और ये जो अड़ा है टी20 वर्ल्ड कप के लिए अड़ा है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होना था, उसकी होस्टिंग चाहता है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। दरअसल दोस्तों ईसीबी को यह चीज पता लग गई है कि जो टी20 वर्ल्ड कप में पैसा आता है वो कहीं नहीं आता, तो टी20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग ये लोग करना चाहते हैं। क्या इंग्लैंड में हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये तो भाई आने वाला टाइम ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की नौवीं बड़ी खबर की। संजय मांजरेकर के हवाले से रिपोर्ट है। मांजरेकर ने फिर एक क्रिप्टिक स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि नीड समबडी लाइक हुड्डा डाउन द ऑर्डर, तो वो चाहते हैं टी20 वर्ल्ड कप में दीपक हुड्डा का सिलेक्शन हो जाए ऑस्ट्रेलिया में। मैं कितना सहमत हूं, शायद नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। शायद हुड्डा के लिए तो कतई ही नहीं कि उनको टी20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, क्योंकि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको इतना देखा ही नहीं है और उनके जगह पर बहुत सारे विकल्प है हमारे पास, तो मैं तो मांजरेकर जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दसवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो रोहित शर्मा ने एक बहुत ही इमोशनल नोट शेयर किया, 15 साल हो गए थे इनके, कल इन्होंने ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर ये नोट शेयर किया जिसमें इन्होंने फैंस को थैंक्स किया कि 15 साल तक उन्हें अपने कंधों पर अपने सिर पर ताज के रूप में बिठाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रोहित शर्मा के लिए भी लाइक बनता है। ये थी दिनभर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाल बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए।